निजी स्कूलों को खोले जाने संबंधित मांग को लेकर राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस संबंध में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. गोस्वामी गौरव भारती ने कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों को खोलने का अभी तक आदेश जारी नहीं किया है, जिससे स्कूल संचालक और शिक्षक भुखमरी के कागार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के वाहनों के लोन जमा होने के अभाव में कंपनियां वाहनों को जब्त कर रही है, बिजली कनेक्शन स्कूलों के काटे जा रहे हैं, किराए के स्कूल खाली कराए जा रहे हैं, किंतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग कोरोना महामारी से सर्वाधिक मार खाए हुए निजी स्कूलों का सहयोग नहीं किया जा रहा है। यदि 26 जनवरी तक शासन ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के बैनर तले आक्रोशित और व्यथित होकर प्रबंधक संघ निजी स्कूलों के शिक्षकों कर्मचारियों के मानदेय, बिजली बिलों के भुगतान, स्कूल वाहनों के लोन, इंश्योरेंस, टैक्स शुल्क, स्कूल भवन किराए की अदायगी के लिए 28 जनवरी को प्रत्येक जनपद में भिक्षाटन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती ने कहा, एक मेला चल रहा है, सिनेमा हॉल चल रहा है, मॉल चल रहे हैं, लेकिन उसको बंद किया जा रहा है। तो हम लोग इसी संबंध में जो है वो राज्यपाल महोदय को और को दिया जाता है माध्यम से ज्ञापन कि हम लोगों पर भी ध्यान दिया जाए। मैं डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ। निजी स्कूल प्रबंधकों की और निजी स्कूलों के न खोले जाने के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है, जो कि जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से दिया गया है। हमारी मांगें ये रही हैं कि स्कूलों को अभी तक नहीं खोला गया, जबकि तमाम संस्थानें खोल दी गई हैं, महोत्सव मनाए जा रहे हैं, मेले मनाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की अधिकतर संख्या आपको देखने को मिलेगी, जहाँ सुरक्षा की कोई भी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। स्कूल एक अनुशासित जगह है, जहाँ बच्चों को हम प्रत्येक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पढ़ा सकते हैं, किंतु स्कूलें नहीं खोली जा रही हैं और उसकी क्या क्या परेशानियां हैं ये प्रशासन और शासन समझने हैं, जिसमें मैं आपको गिनाऊं कि सर्वप्रथम हमारे बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बिजली के भारी भरकम रकम विद्यालय बंद होने के बाद भी हमारे ऊपर आ रहे हैं, वाहनों के लोन और इंश्योरेंस टैक्स न जमा होने की स्थिति में गाड़ियाँ हमारी खींच ली जा रही हैं, जो विद्यालय किराए के भवनों में संचालित हैं उनके मकान मालिक हम लोगों के स्कूल के बेंच वेंच निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं। यहाँ तक तो एक बार भी समझ में आता है, हम लोगों ने लोन और कर्जे लेकर कार्य किया, पर अब स्थिति ये बन गई है कि हमारे शिक्षक और उनका परिवार जब भुखमरी की स्थिति पर आ गया है तो हमारे ऊपर FIR तक करने को तैयार हो गया। रोज आके हमारे शिक्षकगण जो हमारे साथ 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं वो अब हमारा कालर तक पकड़ रहे हैं। इन परिस्थितियों, इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल को खोला जाए। यदि स्कूल खोलने की तिथि नहीं दी जाती है तो 28 फरवरी को हम पूरे प्रदेश में भिक्षाटन का कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि हम इन समस्याओं से निजात पा सकें।